You are watching Spider News. For more videos, subscribe our YouTube channel and get latest updates by clicking the bell icon. तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने PK9 सवात से मुंतखिब होने वाले रुकन महमूद खान को खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला नामजद कर दिया। महमूद खान 1972 में सवात के इलाके मट्टा में पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई तालीम पिशावर से हासिल की जबकि उन्होंने 2007 में अमली सियासत का आगाज किया और तहरीके इंसाफ के गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में वजीर खेल रह चुके हैं। नामजद वजीर आला महमूद खान की जानिब से इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई गई। दस्तावेजात के मुताबिक उनके पास 2,51,00,00,000 और 67,00,000 के मुकम्मल असासा हैं, जिनमें 4,00,00,000 नकदी बैंक में हैं और 87 केनाल जरी अराजी और 55 कमर्शियल दुकानों के मालिक हैं। ख्याल रहे कि तहरीक इंसाफ के गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में स्पीकर के फ्राइज अंजाम देने वाले असद कैसर, साबिक वजीर आला परवेज खटक, वजीर तालीम आतिफ खान और सूबाई वजीर इत्तलात शाह फरमान वजारत आला की दौड़ में शामिल थे। ताहम इमरान खान आतिफ खान को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनाना चाहते थे, लेकिन परवेज हटक ने न सिर्फ उनकी मुखालफत की बल्कि इस हवाले से खुद महमूद खान का नाम भी दिया, जिसे चेयरमैन PTI ने अब बाजाब्ता तौर पर वजीर आला का उम्मीदवार नामजद कर दिया। इमरान खान का कहना है कि मैं लोगों से वादा करके आया हूँ कि मदीना की रियासत बनानी है, इंसाफ मेरिट पर करना है, आपने अवाम के पैसे को अल्लाह की इमानत समझना है और कौम का पैसा बचाना है ताकि अवाम की फलाह पर खर्च किया जा सके, जबकि हमने पार्टी को एक इदारा बनाना है। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी पंजाब वालों पर है जहां हमारी कमजोरी है, इस हलके में अभी से काम शुरू करना है। चेयरमैन PTI ने कहा कि पंजाब के वजीर आला के लिए एक नौजवान ला रहा हूं, ये नौजवान क्लीन होगा, इस पर किसी किस्म का कोई सवालिया निशान नहीं, आप सब इस नौजवान को सपोर्ट करें, जबकि पंजाब में हमें बहुत से चैलेंजेस का सामना है, पंजाब के लोगों को रिलीफ देना है, वहाँ के लोग कई दहाइयों से मुफलसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि पंजाब पुलिस को गैर सियासी और खुद मुख्तार बनाएंगे और KP पुलिस की तर्ज की इस्लाहात लाएंगे, पंजाब के स्कूलों और हस्पतालों को बेहतर से बेहतर बनाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं आपसे इसका तकाजा कभी नहीं करूँगा जिस पर मैं खुद अमल न करूँ, मैं फैसले मेरिट पर और कौम के मुफाद के लिए करूँगा, जबकि जाति सियासत ने सियासतदानों को जिल्लत दी है, जाति सियासत में आवाम का नाम लेकर इक्तदार में आकर अपनी जात का सोचते हैं। ताज़ा तरीन अपडेट्स, रिपोर्ट्स और दिलचस्प खबरों के लिए स्पाइडर न्यूज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।